हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक पैराजम्बल क्वेश्चन, और इसमें मैं आपको पैराजम्बल की कुछ गोल्डन ट्रिक्स बताऊंगा। गोल्डन ट्रिक्स से मेरा मतलब है कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पैराजम्बल को किया जाता है और किया जाना चाहिए, और क्या सही ट्रिक है, क्या सही मेथड है, ये मैं पूरा डिस्कस करूंगा। और ये पैराजम्बल बैंकिंग, इंश्योरेंस और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप वोकेबलरी की ई बुक्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, englishiq.in। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, पैराजम्बल कभी कभी देखने में काफ़ी टफ लगता है, लेकिन यदि आप सही मेथड और सही अप्रोच को अप्लाई करते हैं तो काफ़ी कम समय में एक्यूरेसी के साथ पैराजम्बल को आप कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी बार मैंने आपको बताया है, सभी वीडियो क्लासेस में मैं बताता रहता हूँ कि सबसे पहले नाउन आता है, उसके बाद हम प्रोनाउन को लगाते हैं। तो नाउन से कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ नॉर्मली स्टार्ट होता है, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता। या कोई भी पैराग्राफ किसी भी कनेक्टिंग वर्ड से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर एक ये कनेक्टिंग वर्ड दिया है वेयर एज, यहाँ पर देखिए एक प्रोनाउन दिया है, तो यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता। ये कनेक्टिंग वर्ड है और ये एक प्रोनाउन है। अब देखिए, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, कोलेस्ट्रॉल इज मेड इन द लिवर, तो ये क्या है? ये एक टाइटल सेंटेंस है, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, इसमें एक नाउन का यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस बनने के लिए परफेक्ट है। जिस तरीके से हम कोई ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो वो एक टाइटल सेंटेंस से स्टार्ट होता है। तो ये जो सेंटेंस है सी, ये पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। अब देखिए, ये भी फर्स्ट नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्टिंग वर्ड है लाइक फैट। फैट से हम किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं, फैट से हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, लेकिन तुलना करने से पहले उस चीज़ का मेंशन पहले आना चाहिए। ठीक है, एकदम डायरेक्ट से हम तुलना नहीं कर सकते। लाइक फैट कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, इसमें एक कीवर्ड और आया है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब ये है कि ऑल्सो जो वर्ड है ये सेकेंड सेंटेंस में ही आ सकता है, ये फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस भी फर्स्ट सेंटेंस आपका नहीं बन सकता। अब देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया, ये सेंटेंस फर्स्ट बन सकता है, तो इसको अभी कंसिडर करते हैं। ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ऑल्सो लगा हुआ है, लाइक लगा हुआ है। अब इसको देखिए, डाइट्री कोलेस्ट्रॉल हैज़ लेस इन्फ्लुएंस ऑन टोटल कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, वेयर एज द अदर फूड इन योर डाइट, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड स्मोकिंग वर्सन इट। इसमें डाइट्री कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, इसमें एक कोलेस्ट्रॉल का एक्सटेंशन ये सेंटेंस है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की बात ना होते हुए ट्री कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, तो ये एक किसी प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, तो हम सेंटेंस को कहां से स्टार्ट करेंगे? यहीं से स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस को, सी से। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका फर्स्ट सेंटेंस, बाकी सेंटेंस हमने इलिमिनेट कर दिए। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल इज मेड इन द लिवर, कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर में बनता है। लाइक फैट कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो डजेंट डिजोल्व इन वाटर, यहां पर हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया कि ये लिवर में बनता है, तो ये नाउन है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने बोला है, तो पहले हम नाउन नाउन को पहले हम लेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोला है, इसमें भी हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोला है, लेकिन यहाँ पर इट से इसको रिप्लेस किया है। तो पहले हम नाउन को लेंगे, सी के बाद हम डी को लेंगे। ठीक है, सी के बाद हम डी को लेंगे क्योंकि इसमें दोनों में ही नाउन है, और यहाँ पर फिर हमने इसको रिप्लेस किया है कि इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लाइपोप्रोटीन्स, इसके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होता है। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जिनको हम लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इट लिख दिया है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इट इज़ ट्रांसपोर्टेड। अब देखिए, यहाँ पर इसके बाद जो सेंटेंस जुड़ेगा वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ही होगा। इट इज ट्रांसपोर्टेड बाई मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लाइपोप्रोटीन्स विच हेल्प इन कैरिंग फैट्स कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सटल विटामिन इन द ब्लड। अब देखिए, इसके बाद हम इसको ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी फॉर हाई लेवल एलडीएल। देखिए, यहां पर हमने एलडीएल की बात की है, और यहां पर
ए में देखिए, ए में हमने HDL की बात की है। तो सपोज आप एक एक स्टूडेंट हैं और एक तैयारी कर रहे हैं, आपको इनका इनका साइंटिफिक मतलब नहीं पता कि LDL क्या है, HDL क्या है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को वेयर एस से कंपेयर किया गया है, इनको जोड़ा गया है वेयर एस से, यानी एफ को और ए को, ठीक है। तो यहां पर हम एफ और ए को पहले लगाएंगे, एफ यहां पर हम लगा देंगे एफ को, फिर ए को, और उसके बाद फिर ई बचा है तो ई आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ये ये हो गया आपका CDBFAE, इस तरीके से ये पैराजंबल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पैराजंबल से आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक्स मैं आपको सिखाता हूँ उन ट्रिक्स को आपको अप्लाई करना है और आसानी से आप इन पैराजंबल क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा रीअरेंजमेंट के बाद? फोर्थ सेंटेंस होगा आपका एफ। एफ दिया कहां पर है? एफ दिया है ए में, तो आपका आंसर क्या होगा? ए। थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस बी है, तो थर्ड सेंटेंस कहां पर दिया है? बी कहां पर दिया है? सी में, तो आपका आंसर होगा सी। लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है आपका ई, और लास्ट सेंटेंस कहां पर दिया है? डी में, तो आपका आंसर होगा डी। सेकंड सेंटेंस कौन सा है आपका? डी है। डी कहां पर दिया है? डी दिया है डी में, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी, ठीक है। और फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा? फर्स्ट सेंटेंस होगा सी, फर्स्ट सेंटेंस होगा सी, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस सी ही होगा, यहां पर आप सी मान सकते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस होगा इसमें सी। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को, पैराजंबल के क्वेश्चंस को आपको करना है। और यदि आप बैंकिंग इंश्योरेंस की एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश सेक्शन को, तो मेरी पेड क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो क्लास? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।